हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग राधे राधे सत श्रीकाल नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं से सिर रोज की तरफ स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल से की पाठशाला में तो एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया क्लास वन टू फाइव के लिए बीपीएससी ने जो कि आज के डेट में जारी किया है तो आइए इस डिटेल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है एलिजिबिलिटी क्या है पेपर का पैटर्न क्या है ठीक है कौन कौन एलिजिबल है इस पेपर को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो और कितनी वैकेंसीज हैं इसमें इस वीडियोज में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आज ही के डेट में जारी किया गया है तो आइए देखते हैं पहली चीज कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा एक से पांच तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9431 पदों पर नियुक्ति हेतु तो दिनांक 10 ग्यारह 2023 को प्रकाशित करने हेतु तो विज्ञापन संख्या 2023 में सम्मिलित किया गया है उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्ता निम्नमत है तो भाई टोटल कितनी है 9431 पद हैं प्राइमरी में पी के जो एड किया गया है ठीक है जो एड किया गया है पहली चीज ये जान लीजिए अब जो भी नोटिफिकेशन आई है इसके लिए अब इसके हर्ता एलिजिबिलिटी क्या है पहली चीज देख लीजिए भारत का नागरिक हो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो मतलब जो भी राज्य सरकार कराती है स्टेट, स्टेट जो भी उसमें पास हो ठीक है तो यथा कक्षा एक से पाँच तक विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर वन अथवा बीटेट पेपर वन तो भाई कक्षा एक से जो पाँच तक के लिए अप्लाई करेंगे उनको सीटेट टेट वन सी पेपर वन पास होना बहुत जरूरी है और अगर बिहार के हैं तो बीटेट पेपर वन ठीक है कौन सा बीटेट पेपर वन पास होना उनके लिए बहुत जरूरी है अब परंतुक लिखा है आइए आगे देखते हैं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी तो जो दो हज़ार से पहले हैं वो पास हैं स्टेट में ठीक है उनके लिए ये पात्रता नहीं मानी जाएगी ठीक है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशुल्क कोटि के उम्मीदवारों को पचास प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा तो आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट है वो क्लियर कर देगा इस लाइन में तो सीटेड में जो देखिए पहली चीज बताता हूँ मैं आपको तो कोर्ट के अभ्यर्थी को जो बीटेट अगर सीटेट तो जो बीटेट वाले हैं बिहार वाले ठीक है तो उन जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं हम सामान्य कोटि के हैं ठीक है जो बिहार के हैं तो उनको न्यूनतम साठ परसेंट अंक चाहिए ठीक है तो उनको कितने चाहिए साठ परसेंट अंक चाहिए तो आप निकाल लीजिएगा साठ परसेंट सामान्य कोट की महिला उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार होंगे तो उनको पचपन परसेंट चाहिए कितना पचपन परसेंट चाहिए ठीक है पचपन परसेंट महिलाओं के लिए चाहिए तो ये इसमें लिख दिया गया है पहले कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान ठीक है तो जो सीटेड अभ्यर्थी हैं उनको बीटेट वाले आ, उनके लिए न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक चाहिए वो चाहे ओबीसी हो अन्य पिछड़ा वर्ग हो चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य कोटि की हो अगर सामान्य कोटि की महिलाएं हैं उनको पचहत्तर परसेंट चाहिए ठीक है एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा निशक्त कोटि के उम्मीदवारों को पचास प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा ठीक है तो इस लाइन में यही लिखी है कि अगर आप बिहार के हैं तो साठ परसेंट अंक चाहिए आपको वो चाहे आप ओबीसी हो चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो ठीक है वही जो सामान्य कोट की महिलाएं हैं उनको पचपन प्रतिशत चाहिए चाहे अनुसूचित जा, जनजाति हो ठीक है और बाकी अगर सामान कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 परसेंट चाहिए और 50 परसेंट चाहिए जो निशुल्क कोटि के उम्मीदवार हैं ठीक है जिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अब तीसरा चलते हैं विद्यालय अध्यापक के पद तो पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता धारित होगा जो निम्नवत है तो न्यूनतम पचास परसेंट के आंकस पचास परसेंट अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र में द्वि वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो तो बिल्कुल आपको ग्रेजुएशन में पचास चाहिए होता है वही आपने डी किया हो ठीक है या जो भी नाम जाना जाता हो अथवा न्यूनतम पैतालीस परसेंट पैंतालीस परसेंट अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक वही आपने ट्वेल्व पास किया हो पैंतालीस परसेंट के पास ठीक है और आपने डिप्लोमा किया हो और तीसरा अथवा लिखा है न्यूनतम पचास अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा था चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा साथ में बी एड किया हो मतलब पचास परसेंट अंक या ट्वेल्व में और चार वर्षीय बी एल एड किया हो आपने ठीक है अथवा न्यूनतम पचास परसेंट अंक होना चाहिए उच्चतर माध्यमिक में तथा शिक्षा साथ विशेष शिक्षा जो द्विवर्षीय डिप्लोमा होते हैं उसमें पचास परसेंट के साथ आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो ठीक है और या तो जैसे यूपी में है ग्रेजुएशन और डिप्लोमा अब परंतुक लिखा है कक्षा एक से पाँच तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोट तो के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यार्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक में पाँच परसेंट छूट दे होगी तो भाई जो कक्षा एक से पाँच तक के विद्यालय होंगे देखिए उनको पाँच परसेंट की छूट मिलेगी वो चाहे अनुसूचित जाति हो अनुसूचित जनजाति हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो ठीक है जो दिव्यांग विद्यार्थी है उनके लिए कक्षा एक से पांच तक के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट पचास अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू के स्नातक सेक्टर तो उर्दू वाले जो है मैं पचास परसेंट होना चाहिए इंटरमीडिएट में ठीक और अपने उर्दू में स्नातक किया हो ठीक है तीसरा है

प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अथवा एनसीटी अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य के शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम प्रभावित नहीं है उस राज्य शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा तो भाई बिल्कुल ये सारी चीजें आपके मान उसके नहीं है जो जरूरी है वही देखते हैं ठीक है शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के के मान्यता बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष पर बिल्कुल तो ये भाई एनसी का अंतिम निर्णय होगा अगर कुछ ऐसा होता है ठीक है तो चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं आइए तो कक्षा एक से पांच तक का चयन प्रक्रिया क्या है इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं तो पहला होगा विषय भाषा होगा अर्ता होगा जिसमें एलिजिबिलिटी बस उसको पास करना होगा सामान्य अध्ययन होगा एवं विषय ठीक है तो टोटल डेढ़ सौ हो का होगा पेपर ढाई घंटे का होगा टोटल एक डेढ़ सौ अंक का होगा तो डेढ़ सौ अंक में भाग भाग एक में क्या होगा तीस नंबर का होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा वहीं भाग दो में चालीस नंबर का रहेगा जीएस और अस्सी नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेंगे ठीक है भागे चलते हैं अभियुक्ति लिखा है इसमें यह पत्र तीन भाग में होंगे अथवा तो भाग एक तीन भाग में होगा भाग एक भाग दो भाग तीन में पहला भाग एक में भाषा जो अहर के लिए अंग्रेजी इसमें रहेगा हिंदी उर्दू बांग्ला या भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए इसमें तीस प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा ठीक है आपको तीस परसेंट अंक कम से कम लाना होगा तो भाग एक में क्या है आराम से समझिए एकदम आसान से समझिए भाग एक में इलीजी तीस परसेंट आपको पाना अनिवार्य होगा ठीक है उसमें बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी हिंदी अंग्रेजी उर्दू बांग्ला जो भी आप होंगे ठीक है अब आगे चलते हैं भाग दो में भाग दो में सामान्य अध्ययन जीएस के, के लिए जीएस से क्वेश्चन होंगे जैसे प्राथमिक के गणित होंगे मानसिक क्षमता रीजनिंग होगी समान जागरूकता होगा सामान्य विज्ञान में होगा सामाजिक विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा भूगोल और पर्यावरण शामिल होगा ठीक है भाग तीन में क्या होगा हिंदी भाषा उर्दू भाषा बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा तो इसमें भाई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा भाग तीन में अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी उर्दू चुनते तो उर्दू बांग्ला चुनते हैं तो बांग्ला इसमें से कोई एक चुनेंगे तो वही होगा ठीक है भाग तीन का पेपर वही होगा आपका भाग एक बस पास करना है उसको ठीक है तीस परसेंट उसमें मार्क्स चाहिए आपको तो वो है और भाग दो जीएस होगा जिसमें प्राथमिक गणित होगा मानसिक क्षमता रीजनिंग होगी जीएस होगा और सामान्य विज्ञान होगा सामाजिक विज्ञान होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा भूगोल होगा पर्यावरण होगा ठीक है अब भाग तीन की बात करते हैं भाग तीन में हिंदी भाषा उर्दू भाषा बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का आप जो चुनाव करेंगे वो होगा उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एस सी ई आर टी एन सी ई आर टी से संबंधित होंगे लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु तो निर्धारित न्यूनतम आहार के आलोक में होगा भाई एस सी आर टी एन सी आर टी जरूर फॉलो करें इसके लिए सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एस सी आर -E टी से संबंधित होंगे लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु भाई जो समान जी एस का पेपर होगा वो एस सी आर टी के एस सी आर टी से आएगा एस सी आर टी सिलेबस उसी के अनुसार होगा लिखित परीक्षा वस्तु बिल्कुल जो लिखित परीक्षा होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगा ठीक है भव गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा तो गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे अब ऑनलाइन पत्र से संबंधित निम्नाक तिथि दी गई है इसको भी देख लेते हैं तो पहले निबंधन एवं भुगतान ऑनलाइन सोलह तारीख से स्टार्ट होगा पच्चीस तारीख तक लास्ट डेट है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में डिटेल नोटिफिकेशन है क्लास टू फाइव का मैंने हर चीज आपको अच्छे से बता दी ठीक है बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा इस वीडियो में यहीं तक और जो भी स्टूडेंट है एसएसटी क्लास वन टू फाइव जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत